आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना टिक्की। आप इसे साबूदाना बड़ा भी बोल सकते हैं या आप इसे टिक्की भी बोल सकते हैं। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। साबूदाना टिक्की बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से ही आप इसे बना सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में व्रत होते हैं, अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, लेकिन साबूदाने से बनी हुई चीज़ें हम व्रत में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाने से बनी हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं और बहुत ज़्यादा देर तक हमारा पेट भरा भी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। साबूदाना टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप साबूदाना लिया है, यानी कि सागो लिया है। इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो चलिए मिक्सी में डालकर इसका हम पाउडर बना लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पाउडर बना लिया है और पाउडर को हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही छोड़ लेना है। यहाँ मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं। इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं और जो बारीक वाली साइड है उसी से हम इसको कद्दूकस करेंगे, या आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें कद्दूकस किए हुए आलू हम डाल लेते हैं और साथ ही साथ जो हमने साबूदाने का पाउडर बनाया है वो भी डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने यहाँ सेंधा नमक लिया है, जो अक्सर हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ तेल लिया है, वो डाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो साबूदाने की पाउडर की जगह आप जो समा के चावल यानी कि सामकिया होता है उसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो अरारोट भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो कुट्टू का जो आटा है वो भी ले सकते हैं, वो भी हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो चीज़ आप इनमें से व्रत में नहीं खाते हैं आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है इसमें तो आप 1 से 2 चम्मच और साबूदाने का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पाउडर एक्स्ट्रा बचा लिया है। थोड़ा सा हथेली पर हम तेल लगाएंगे और नींबू साइज़ का हम डो लेंगे और अच्छे से गोल करके हम टिक्की की शेप देंगे। आप चाहें तो शेप अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और जो हमने पाउडर लिया है हल्का सा, वो इस पर हम कोट कर लेंगे। देखिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे हम टिक्की तैयार कर लेंगे। मैं प्लेट में डालकर आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से, ऐसे हम टिक्की तैयार कर लेंगे। सारी टिक्कियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए टिक्कियाँ हम डाल लेते हैं और इनको हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने में करीब करीब 12 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। देखिए, एक तरफ इन पर हल्का सा कलर आ गया है तो हम पलट लेते हैं। सारी टिक्कियाँ हम ऐसे ही पलट लेंगे और दोनों तरफ से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे। मीडियम टू लो कर सकते हैं लेकिन हाई बिल्कुल नहीं करना है। एक बार और पलट लेते हैं हम। देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया है। आप ऐसे ही इनको फ्राई कर ले। देखिए, इनको फ्राई करते हुए करीब करीब 14 से 15 मिनट हो गए हैं तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही प्यारा आया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, एकदम क्रिस्पी बनी है ये। तो चलिए हम सारी टिक्कियाँ निकाल लेते हैं और जो टिक्कियाँ बच गई हैं उन्हें भी हम दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टिक्कियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं ये, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरी बनी है। देखिए तोड़कर मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। वाओ, एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है ये। आप व्रत में इसे आसानी से खा सकते हैं, आप भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मैंने इसे व्रत में जो चटनी हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ सर्व की है, या आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, या आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।